श्रद्धेय गुरुजन एवं यहाँ उपस्थित मेरी सभी प्यारी बहनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी यहाँ पर अपने देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त भारत वर्ष का राष्ट्रीय पर्व है। भारत देश वर्ष 1857 ईस्वी से वर्ष 1947 ईस्वी तक स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से वर्ष 1947 को आजाद हुआ और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। आजादी के पहले दिन को याद करने के लिए हम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ उन सभी महान नेताओं के बलिदानों को याद करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी आहुति दी। तभी से हम सभी भारतवासी इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाते हैं। आओ झुककर करें सलाम, आओ झुककर करें सलाम जिनकी जिंदगी में मुकाम आया है, जिनकी जिंदगी में मुकाम आया है। किस कदर खुश नसीब है वो लोग, किस कदर खुश नसीब है वो लोग जिनका लहू भारत के काम आया है। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तब से हुई जब मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी को ब्रिटिश शासन के अंग्रेज अधिकारियों ने गोली मारी थी। हम सब कभी भी भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद आदि को कभी नहीं भूल सकते जिन्होंने बहुत कम उम्र में देश की आजादी के लिए अपनी आहुति दी थी। तभी से हम सभी भारतवासी इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाते हैं। आजादी के पहले दिन को याद करने के लिए अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, लाजपत राय आदि। देश की लड़ाई लड़ते हुए महात्मा गांधी ने अनेक सत्याग्रह आंदोलन चलाया और कई बार तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य भारत देश को ब्रिटिश शासन से आजादी दिलाना था। स्वतंत्रता सेनानियों के संदर्भ में कुछ लाइन प्रस्तुत करना चाहूंगी। नमन है उन वीरों को, नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया। गुलामी की मजबूत पीढ़ियों को, गुलामी की मजबूत पीढ़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया, अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया और भारत माँ को आजाद कराया, और भारत माँ को आजाद कराया। 15 अगस्त 1947 को भारत के इतिहास को स्वर अक्षरों में लिखा गया। देश में तेजी से तकनीक, शिक्षा, खेलकूद व अन्य क्षेत्रों में विकास कर रहा है। देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें किसी भी आपात स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें गंभीरता से अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और लक्ष्य प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अंत में इन पंक्तियों के माध्यम से अपने देशवासियों को यह छोटा सा संदेश देना चाहूंगी। भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान। इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान, इस दिन के लिए जो हुए थे